आज मैं साबूदाना बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं छोटी वाली साबूदाना ली हूँ, आप लोग कोई सा भी साबूदाना ले सकते हैं। तो इसको हम पहले दो तीन पानी से अच्छे से धो करके ले लें। साबूदाना को अच्छे से धो करके ले ली हूँ दो तीन पानी से। अब इसमें हम दो चम्मच पानी डाल के इसको हम रख देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है पानी, सिर्फ दो चम्मच हम डालेंगे कि ये अच्छे से साबूदाना थोड़ा फूल जाए। देखिए ऊपर तक पानी नहीं आई है, बस मैं दो चम्मच इसमें पानी डाल के रख दी हूँ। सबसे पहले हम दूध उबाल लेंगे, तो दूध उबालने के लिए मैं रख दी हूँ। तो इसमें पहले हम एक उबाल आने देंगे दूध में। देखिए दूध में उबाल आ चुकी है, अब इसमें ये धुली हुई साबूदाना इसमें डाल देना है। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे साबूदाना को। तो देखिए मीडियम आंच पे मैं साबूदाना को पका ली हूँ। तो जब तक साबूदाना इस तरीके से ना पक जाए तब तक इसको पकाना है, और ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। अब ये पतला रखेंगे ताकि ये ठंडा होने पे गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए साबूदाना अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, तो काजू बादाम किशमिश मैं ले ली हूँ। आप लोगों को जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें चीनी डाल देना है, तो मीठा भी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। मैं दो चम्मच के लगभग मीठा डाली हूँ। हमें चीनी को पिघला लेना है। तो देखिए चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। एक इलायची हम कूट करके इसमें डाल देंगे, डाल दी हूँ। इसको मिक्स कर देना है और गैस हम अब बंद कर देंगे। देखिए हमारा साबूदाना बनके तैयार हो गई है, साबूदाना की खीर। अब इसमें भुनी हुई मखाना मैं 10-12 मखाना डाल दूंगी। तो साबूदाना खीर बनके तैयार हो गई।